वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। प्यारी साध संगत जी, कई कमाई वाले महापुरख दसदे ने कि सवास बाहर आवे तां वाहे कहना है ते अंदर सवास खिचदियां गुरु कहना है। कई कहिंदे ने कि सवास बाहर आए तां गुरु कहो, अंदर जाए तां वाहे कहो। इउं नीठ नीठ मन किया धीरा, दोनों ही तरीके ठीक ने। सूरज प्रकाश विच भी गुरु नानक पातशाह ने यही कहा कि भाई बाले ते मरदाने ने पुछिया पातशाह तो कि गुरमंत्र किवें जपना है। पातशाह कहिंदे ने जो अंदर नू स्वास जांदे ने वाहे कहता ते बाहर आउंदियां स्वास गुरु कहता। इहदे नाल पातशाह कहिंदे ने चारे पदार्थ प्राप्त हो जांदे ने, मुक्ति प्राप्त हो जांदी है। इस तरह एक स्वास नाल वाहिगुरु कहा जांदा है अते इस तरह बहुत वारी नहीं कहा जांदा। हौली चले तां एक मिंट विच एक मोहर लगे तां एक सिक्का बनदा है ते तेज चले तां एक मिंट विच कई सिक्के मोहरां बन जांदे ने। इस तरह जाप करके मुख वाक है एक साहा सब ते आंदियां, ये दूजा तरीका है। इको साह नाल वाहिगुरु 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 करी जाना। इस इको साह नाल घट्टो घट 25-30 वार वाहिगुरु कहा जांदा है ते मन छेती वस विच आउंदा है। सब दे तरीके अलग अलग ने पर तरीका एक ही अपनाउणा है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਗਾ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਮ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਮਿਹਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣੀਏ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਜੇ ਦੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।